नमस्कार दोस्तों, बोर्ड स्काई में आपका स्वागत है। संतरा एक ऐसा फल है जो लगभग हर किसी को पसंद होता है। मीठे और रसीले संतरे का स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक को काफी पसंद होता है। संतरा न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। संतरे में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। संतरा खाने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है जिससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। ये पाचन और दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए संतरे का सेवन लाभकारी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोगों के लिए संतरा खाना नुकसानदायक हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किडनी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के बारे में। ऐसे में ये सवाल कई बार आता है, जो लोग किडनी की बीमारियों से जूझ रहे हैं क्या उनको संतरा खाना चाहिए या नहीं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल संतरे का ज्यादा सेवन करने से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में जिन लोगों को पहले से ही किडनी से जुड़ी समस्या है उन्हें संतरे का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए। दरअसल संतरे में पोटेशियम की मात्रा कम होती है लेकिन शरीर के अंदर जाकर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। ऐसे में संतरे का ज्यादा सेवन करने से किडनी को नुकसान पहुँच सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में दो गुर्दे होते हैं जो मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड आदि जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से छानने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो सभी शरीर में चयापचय के उत्पाद और इस तरह मूत्र का उत्पादन करते हैं। लाखों लोग अलग अलग प्रकार के गुर्दे की बीमारियों के साथ रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश को इसके बारे में भनक तक नहीं है। यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक ये खुलकर सामने नहीं आती, यानी जब तक इससे मरीज को प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से जांच करवाते रहते हैं, वो अपने गुर्दों की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए अपने रक्त में एक सरल क्रिएटिनिन परीक्षण भी नहीं करवाते। आपको बता दें, इसके शुरुआती लक्षण टखनों, पैरों या एड़ी के पास सूजन होना दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको कमजोरी महसूस होती है। इसके साथ ही भूख की कमी भी आपको महसूस होती है। इसके अलावा सुबह सुबह आपको मिचली और उल्टी का अनुभव होता है। इसके साथ ही ये भी इसका एक लक्षण है कि मूत्र में आपके झाग बनते हैं या फिर खून आता है। इसके अलावा आपकी त्वचा सूखी हो सकती है, साथ ही उस पर खुजली भी आ सकती है। इसके साथ इसका एक लक्षण ये भी होता है कि आपके पीठ दर्द या पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो। तो अगर आप भी किडनी की किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो संतरे का सेवन करने से बचें और साथ ही कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।